Hello friends, my name is Aditya Gangurde. I have completed my filmmaking from MDFA, that is Mumbai Digital Films Academy. कोर्स के दौरान जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे एडिटिंग सीखी हुई है, सिनेमाटोग्राफी सीखी हुई है, प्रॉपर डायरेक्शन भी सीखा हुआ है. और अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ फिल्म मेकिंग का, तो MDFA ने मुझे बहुत सा एक्सपीरियंस दिया और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई है उस चीज़ के दौरान कि काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है. अगर इन टर्म्स अगर आगे आके अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंटली भी काम करने के लिए बोले एज अ डायरेक्टर या फिर फिल्म मेकर, तो आई एम कैपेबल इनफ कि मैं खुद डायरेक्ट कर सकता हूँ. दिस इज वॉट MDFA हैज टॉट मी. स्ट्रगल वहां से शुरू हुई, उसके बाद अगर काम करना स्टार्ट किया मैंने तो एज एन AD असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं एक फिल्म में, जहां पर मेरा मुझे प्रूफ करके दिखाना था सामने वाले लोगों को कि यस आई एम कैपेबल इनफ टू डू समथिंग जो मुझे MDFA ने सिखाया था. मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा टैलेंट देख के जो फिल्म्स के क्रिएटिव्स होते हैं उन्होंने मुझे प्रमोट करके एज ए चीफ AD बनाया. फिर इंडिविजुअली मैंने खुद के गाने रिकॉर्ड्स भी किए. उसके बाद थोड़ा एक फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने अच्छा काम करना शुरू किया. उसके बाद फिल्म्स के बाद आई मूव्ड ऑन टू सीरियल्स. नाउ रिसेंटली वर्किंग इन मराठी सीरियल, दैट इज बाळूमामाच्या नावाने सांग बोला, दैट इज एरिंग ऑन कलर्स मराठी, सो यू कैन वॉच दैट. आई एम वर्किंग देयर एज एन AD एज वेल. सो लोग सोचते हैं कि MDFA या फिर फिल्म मेकिंग सीखने के बाद हमारा स्ट्रगल खत्म हो गया, अभी हमें काम आसानी से मिल जाएगा, हमारा लोग स्वागत करने के लिए खड़े. बट ये एक्चुअल में होता नहीं है, यहाँ से एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हो जाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट इफ यू आर हैविंग अ टैलेंट एंड यू आर हैविंग एन एम, यू कैन डू योर बेस्ट. एंड यस, आई कैन ऑल्सो डू द बेस्ट. थैंक यू. करता था ना स्टेज वगैरह करता था, तो कॉन्फिडेंस लेवल है पहले से ही. तो स्टेज ना, तो स्पॉट में भी कुछ आना जरूरी होता है कि यार अचानक से पटक से क्लिक हो गया. यहाँ पर भी मैं अगर काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में बराबर बोल रहा है तू तो ये करेंगे, चलो करते हैं. तो इसकी वजह से लोगों के मन में हम आते कि यार ये बंदा क्रिएटिव भी है, उसके पास नॉलेज भी है, तो यार